सैमसंग कंपनी के प्रोडक्ट हमारे बीच काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में अब स्मार्टफोन के बाद भारतीय टेलीविजन मार्केट में भी प्राइस वॉर की शुरुआत हो गई है। मार्केट लीडर सैमसंग ने पिछले 2 महीने से भी कम वक्त में दूसरी बार अपने टॉप सेलिंग टीवी के दावों में कटौती की है। सैमसंग ने इससे पहले जून के बीच में शाओमी TCL ब्रांड को टक्कर देने के लिए अपने टीवी के दामों में कटौती की थी। खबरों के मुताबिक टीवी के प्राइस में दूसरी कटौती के बाद सैमसंग को ऑनलाइन फर्स्ट टीवी ब्रांड्स के ऊपर अपनी बढ़त को बनाए रखने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, सैमसंग ने 32 इंच से 43 इंच वाले टीवी सेगमेंट के दामों में 5% तक की कटौती की है। कंपनी ने इस सेगमेंट में टीवी की कीमतों में करीब 2,500 रुपए तक की कटौती की है। ओवरऑल टीवी मार्केट में इस सेगमेंट का वॉल्यूम तकरीबन 80% है, इसलिए सैमसंग को निश्चित तौर पर प्राइस कट के बाद फायदा मिलने वाला है। इस सेगमेंट में शाओमी सबसे अफोर्डेबल टीवी की पेशकश कर रहा है। शाओमी MI टीवी 4A 32 इंच की कीमत 13,999 रुपए है। वहीं TCL, VU और माइक्रोमैक्स भी इसी रेंज में अपने टीवी पेश कर रहे हैं। हालांकि सैमसंग के टीवी की कीमत इन कंपनियों के मुकाबले थोड़े ज्यादा है। सैमसंग ने हाई एंड टीवी की कीमतों में 15% की कटौती की है। सैमसंग के प्राइस कट के बाद अभी भी कंपनी के टीवी दूसरे कंपनियों के मुकाबले महंगे हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सैमसंग अपने प्रोडक्ट के मार्केट में पकड़ मजबूत बनाने के लिए कीमत में कटौती से परहेज नहीं कर रहा है। एक्साइट टेक के लिए काशिफ की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।